और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक छेद है, मैंने इसमें मेरा पहले कोई प्लांट लगा था उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है। और शिफ्ट कर कर ये देखिए इसमें क्या करना है, एक पत्थर लेना है पहले तो आपको लगा लेना है, और फिर क्या करना है एक चीज, ये देखिए इस तरह से आप अपनी मिट्टी को तैयार करेंगे। अगर आप 50% मिट्टी ले रहे हैं तो 40% आप अपनी जो भी खाद है आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें मैंने जो भी चीज़ आप के पास है, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें होनी चाहिए, जितनी चीज़ें हैं उसी से आप अपना चीज़ें कर सकते हैं पूरी। तो ये देखिए मैंने नीम खली भी ले रखी है इसमें, और इन सबको मिला देना है फिर आपको। तो इस टाइप से आप, ये तो मैंने छोटा रेशो बताया है, आप ये पॉट के हिसाब से भी आप इनको, यहाँ मैंने तैयार कर रखी है मिट्टी तो मैं उसको पूरा नहीं दिखाऊंगी, ये छोटा सा मैंने बनाकर बता दिया है, आप अपने गमले को इसी तरह से तैयार करिए। और देखिए ये मेरे दो प्लांट जो मैं अभी नर्सरी से लाई थी, ये देखिए ये मैं जो प्लांट है ये मेरा, ये गुलाब का, ये वाइट गुलाब है बहुत सुंदर, एक्चुअली दिख गया तो मैं इसको लेकर आ गई थी। और ये मैंने, ये इसको मैं शिफ्ट करने के लिए, और इसको मैंने पहले ही गीला कर रखा है तो इजी गोइंग जैसे निकल जाए, ठीक है। तो और इसका काट देते हैं, निकल तो रहा नहीं है तो इसको हम लोग थोड़ा कटिंग कर कर ये पॉलिथीन को, ये देखिए ये आप इजी तरीके से कोशिश करिए, ज़्यादा हिलाएंगे नहीं और इसको निकाल देंगे, ठीक है। ये अपने आप से थोड़ा बड़ा साइज में था तो अपने आप से ये देखिए ऑटोमेटिक सारा चीज़ें, ज़्यादा कोई फोर्स नहीं करना है चीज़ों को, और चीज़ें तो आप देखिए इसमें मैं मिट्टी डाल रही हूँ, मिट्टी आप भर सकते हैं, मेरी मिट्टी तैयार है तो मैं इसको तैयार मिट्टी को पहले ही भर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसमें आप अपनी मिट्टी का जो बनी हुई मिट्टी है आपने रेडी कर रखी है उसको डाल दीजिए, और फिर यहाँ पर इनको डालकर, अगर आपके पास पुराना कचरा या कुछ भी है, जैसे ये पुरानी चीज़ें हैं, ये देखिए ये घास वास जो भी है तो भी बीच बीच में डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप अपनी चीज़ों को, ये देखें ये देखिए ये चीज़ें हमने रेडी कर दी है, आप देखिए जो प्लांट है आपका, आपको इसको रख देना है, ठीक है। और वापस से आपको इसके आसपास, ये देखिए थोड़ा सा ऊंचा हो गया इसका साइज, तो ये अब वापस से आपको क्या करना है, आपकी जो मिट्टी है उसको चारों ओर से भर देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब इसको क्या करना है, हमने सारा मैंने इसको भर दिया है किनारे से, इसको अच्छी तरह से आप आराम से इसको चारों तरफ से भर दीजिए जितना आपको इसको लगता है। देखिए थोड़ा सा ये नीचे की तरफ ऐसा हो रहा है, तो अपन इसको एक डंडी के सपोर्ट से, और इसको मैंने देखिए कम से कम इसकी जड़ों को हिलाया है, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्मी का मौसम है, आप खुद थोड़ा सा देख लीजिए कि अपने जो आपके एरिया में कैसा मौसम है, और इसको सीधा रखने के लिए, ये देखिए इसको सीधा रखने के लिए क्या करना है, आपको एक डंडी का सपोर्ट लेना है, और ये इस तरह से एक डंडी का सपोर्ट लेकर, या तो आप इसको देखिए बांध दीजिए यहाँ पर, और अगर इसको कुछ दिनों आप ऐसे ही सपोर्ट रख लीजिए अपने पौधे में, और थोड़ा सा दबा दीजिए चारों तरफ से आप, ठीक है।
मिट्टी अगर कम पड़ रही है तो थोड़ा सा इसको भर दीजिए और फिर इसमें क्या करना है आपको, चारों तरफ से, वैसे तो देखिए मेरी मिट्टी पहले से ही गीली थी लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ऐसे ही छांव में रखे रहना है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी बताइएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।